तो टॉप स्टोरीज की आज शुरुआत करते हैं सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट से, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस नहीं दे रही थी या नहीं मिल रहा था कहिए, लेकिन फिल्म की कहानी कमजोर होने के चलते दर्शक फिल्म से जरा भी खुश नहीं थे। कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 100 करोड़ का ही बिजनेस अभी तक किया, लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है? जी हाँ, लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। बहुत ही नाजुक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि संकट की घड़ी में जगतपुर का हर नौजवान अपने देश के लिए खड़ा रहेगा। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट को उम्मीद के मुताबिक सक्सेस नहीं मिली। कहा जा रहा था कि ईद के वीकेंड पर फिल्म ठीक ठाक बिजनेस कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। जी हां, सही सुना आपने, फिल्म ट्यूबलाइट ने 100 करोड़ की कमाई कर ही ली। ये है मेरा भाई भरत, सिर्फ इसे मुझ पे यकीन है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिसके साथ ये सलमान खान की 11वीं फिल्म बन गई है जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया है, लेकिन बिजनेस काफी धीमी गति से हो रहा है, जिसके चलते अब खबरें हैं कि कई जगह पर फिल्म के शोज को कम कर दिया गया है। सुना तो ये भी है कि फिल्म का टिकट भी आधा कर दिया गया है। को कई 5,500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, वो भी सिंगल रिलीज थी। इसके बावजूद भी फिल्म ने अब तक सिर्फ 100 करोड़ रुपए का ही बिजनेस किया है। फिल्म क्रिटिक्स और बिजनेस एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विट अकाउंट के जरिए जो आंकड़े दिए हैं, उनके मुताबिक फिल्म ने अब तक सिर्फ 95,86,00,000 रुपए का ही बिजनेस किया है। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर भी फिल्म को कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सलमान की फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। जी हाँ, सही सुना आपने, सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट को फ्लॉप की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। सोर्सेस की माने तो फिल्म का बजट करीब 100 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म के सैटेलाइट राइट्स 50 करोड़ रुपए और म्यूजिक राइट 20 करोड़ रुपए में बिके थे। वहीं फिल्म ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 95,86,00,000 रुपए का बिजनेस कर लिया है। इसके बाद फिल्म की कुल कमाई करीब 250 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई है। बेशक फिल्म ने धीमी कमाई की है, लेकिन सुल्तान के फैंस उनकी एंट्री पर पटाखे जला रहे हैं। मुंबई में मालेगांव के एक थिएटर में फैंस ने पटाखे जलाकर अपने सुपरस्टार का वेलकम किया। कुछ स्टार्स के स्क्रीन पर आते ही फैंस पैसे और फूल की माला फेंकते हैं। हालांकि ये पहली बार हुआ है जब सलमान खान के फैंस ने किसी फिल्म को सेलिब्रेट करने के लिए पटाखों का इस्तेमाल किया है। हालांकि इन फैंस को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, क्योंकि उनकी इस हरकत से थिएटर में बैठे दूसरे लोगों के बीच डर का माहौल बन गया था। तो प्लीज दोबारा ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपके स्टार्स भी नहीं चाहेंगे कि फैंस को किसी भी तरह की परेशानी हो। वैसे अब ट्यूबलाइट फ्लॉप नहीं बल्कि एवरेज फिल्म बन चुकी है, तो अब आप पटाखे जला सकते हैं, लेकिन सुरक्षित तरीके से। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हाय, मैं हूं शिल्पा शिरोडकर और प्लीज कीप वाचिंग IBC 24। हाय, आई एम फैसल खान एंड यू आर वाचिंग IBC 24। Keep watching. Hi guys, this is Nandish Singh and you're watching IBC 24. Hi, this is Ali Fazal and you're watching IBC 24. Hello, this is Sandeep Soparkar and you're watching IBC 24. Hi, my name is Jay Soni and you're watching IBC 24.